नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजमोहन सिंह। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, वीरेंद्र शर्मा जी। ही इज एमपी ईलिंग साउथ हॉल से ये एमपी हैं, पंजाब से हैं और जलंधर के पास में एक छोटा सा गांव है मंडाली, यहां से ये ताल्लुक़ रखते हैं। निश्चित तौर पर इनकी जो यात्रा रही है पंजाब के जलंधर शहर से यूके, काफ़ी लंबी यात्रा इन्होंने, काफ़ी लंबी दूरी इन्होंने तय की है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं भारत में। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र शर्मा जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो यात्रा रही है 1960s में, आप जो निकल के यहाँ से ब्रिटेन गए, यहाँ से इंडिया से, मतलब यात्रा कैसी रही, कितनी संघर्षपूर्ण यात्रा रही आपकी, कितना स्ट्रगल किया आपने? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया और आपसे बात करने का और आपको देखने और सुनने वालों के साथ अपने व्यूज़ रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये जो जर्नी है, जब आप दूसरे देश में जाते हैं वहाँ का जाकर मेहनत करनी पड़ती है, नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है, डिफरेंट वातावरण से आप जाते हैं, तो उसमें स्ट्रगल है अपने आप को सेटल करने में, फिर वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के सिस्टम को अडेप्ट करने में लंबी सफर जी। ये किसी मसाला मूवी जैसा लगता है, जैसे मुंबईया कोई मूवी होती है, उस तरह का मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ से आप निकल के जाते हैं, वहाँ जाके आप ब्रिटेन में बस में टिकट भी काटते हैं और उसके बाद आपकी एंट्री होती है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ये भी एक बड़ी बड़ी उपलब्धि थी उस समय। देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ी थी जी कि एक गाँव से जाना, बेसिक एजुकेशन जहाँ से लेकर गया, लकी रहा, अच्छी किस्मत थी, जाते वहाँ की बसेस में नौकरी मिल गई बस कंडक्टर की। साथ में मुझे जो मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने जो संस्कार दिए थे अपनी ज़िंदगी में, यहाँ अपने आप की लुक आफ्टर करनी है, वहाँ समाज की सेवा भी करनी है, अच्छा समाज बनाने में अच्छे काम करने चाहिए, ये जो एक भावना थी, एक अपब्रिंगिंग थी, उससे मैं ज़रूर इंस्पायर था। तो फिर मैंने वहाँ की ट्रेड यूनियन में काम करना शुरू किया। उस वक्त ये आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी करेंगे जो लोग ये स्टोरी देखेंगे, उस समय कितनी कमाई होती थी और कैसे मैनेज कैसे करते थे आप? देखिए, मैं, मेरी वाइफ, क्योंकि मेरे जाते ही शादी हो गई थी, इमिग्रेशन उस वक्त शादी के बेस पे परमानेंट सेटलमेंट लेते थे, जहाँ से शादी करवाने के लिए गया था, मेरी शादी अरेंज हुई थी, तो मैं, तो मेरी वाइफ एक कमरे में अपने दूसरे भाइयों के साथ एक कमरे में रहते थे, खाना इकट्ठा था। जब मेरी पहली जो सैलरी थी वो 6 पाउंड 50 पेंस थी, उसमें से 3.5 पाउंड किराया और फूड का निकल जाता था, वाइफ भी काम करती थी, उसको 4 पाउंड मिलते थे, सो वो 10-11 पाउंड की वीकली इनकम हुआ करती थी, 4-5 पाउंड उसमें से आप 6 पाउंड खर्च लेते थे, फिर वीकेंड पे एंटरटेन था, मूवी, अच्छा, कोई ना कोई पिक्चर देखने चले जाना। तो किस तरह की पिक्चर होती ज़्यादातर वहाँ, मतलब उस वक्त की, जहाँ मोस्टली तो हिंदुस्तानी पिक्चर हफ्ते में एक बार लगती थी, तो उसको देखने जाते थे, जाके ही फैमिलीज में कोई सोशल इवेंट हो तो वहाँ चले जाते थे, वो एंटरटेनमेंट का एक साधन था। लेकिन मैं कई लोग वहाँ से ट्रेड यूनियन में आप कैसे गए, वहाँ से ट्रेड यूनियन के आगे की जो यात्रा है मैं समझना चाहता हूँ। मैं ट्रेड यूनियन में जाने से पहले एक वहाँ पर आम लोगों में जो सोशल एक्टिविस्ट थे, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर में, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, जो भारतीय लोगों की मुश्किलें जो है उनके पे काम किया करती थी, वो थे लिमिटेड। मैंने सोचा कि मैंने मेन स्ट्रीम में रहना है, मैं वो रिलीजियस और अपनी कम्युनिटी के अकेले के काम में नहीं जाना, तो मैंने वहाँ की ट्रेड यूनियन में काम करना शुरू कर दिया। जैसे एक मेंबर हैं आप, मैं बस कंडक्टर था, हमारी बसेस कंडक्ट ट्रांसपोर्ट की यूनियन थी,
उसकी मीटिंग में ब्रांच में जाना, उसमें धीरे धीरे काम करना शुरू किया। चार साल के बाद मैं फॉर्चुनेट था, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था या मेरे पास बहुत बेस था, कि मुझे एक ट्रेड यूनियन में इलेक्टेड पोजीशन मिल गई, स्कॉलरशिप नो इलेक्टेड पोजीशन जनरली, उसमें आप उसको ऑर्गेनाइजर के नाम से हम कहते हैं उस ट्रेड यूनियन के उस एरिया का, उसमें आपकी सैलरी भी होती है, तो आपकी जो पॉलिटिक सेमी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं अपने वर्कर्स की, अपने मेंबर्स की बिहाफ पे आप वॉइस रेज करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मुझे वहाँ की ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने वो पिक करते थे कुछ लोगों को जो फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते थे, और मैं समझता था कि वो जो फर्दर स्टडी है अगर मैंने पॉलिटिक्स में या जनरली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मुझे ब्रिटेन की कोई ना कोई क्वालिफिकेशन जरूर लेनी चाहिए, वो भी एलएससी का। आई वाज लकी ऑन दैट, आई मीन पीपल वर डिफरेंट, पीपल हैव डिफरेंट, आई यूज हार्ड वर्क विद सम लक इन टू इट। अगर लक ना हो तो आपका मुश्किल होती है, मेहनत तो सब लोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आई वॉज फॉर्चुनेट के उस वक्त मुझे टीयूसी ने, ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मुझे स्कॉलरशिप दिया, मुझे एलएससी में फर्स्ट ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की स्टडी के लिए जगह मिल गई। बहुत बड़ी बात है। इसमें सवालों में आगे बढ़ते हैं कि उस वक्त भी एक तरह से आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उस वक्त भी था, अभी भी है समाज में, अभी भी कहीं ना कहीं है, और जो भी एशियन रीजन के जो भी एमपी हैं यहाँ से जो भी निकल के गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों, हिंदुस्तान से हों, श्रीलंका से हों, उनको अभी भी दे हैव टू फेस रेशियल बायस। वहाँ पर जब हम अर्ली 70s में हमारी स्ट्रगल हुआ करती थी औरतों के राइट्स के लिए, काले लोगों के राइट्स के लिए, ट्रेड यूनियन के अपने राइट्स के लिए, डिसेबल्ड पीपल के राइट्स के लिए, ओल्ड पीपल्स के राइट्स के लिए, तो हम सब इकट्ठे होकर ट्रेड यूनियन में जो मुझे जो फ़ायदा हुआ वो था कि ट्रेड यूनियन मेन स्ट्रीम थी, वो सब लोगों के लिए फाइट करती थी, तो एक सेक्शन के लिए नहीं। वहाँ से लेबर में फिर कैसे है? मैंने लेबर पार्टी ज्वाइन कर ली थी 74 में, क्योंकि ट्रेड यूनियन और लेबर पार्टी का बहुत क्लोज लिंक है, वो रिलेशनशिप जो है, क्योंकि मैं फिर साथ ही साथ में पार्टी पॉलिटिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट शुरू गॉट इनटू इट, एंड देन स्टार्टेड बिकेम काउंसलर इन लंडन बोर ऑफ हीलिंग, देन लंडन बोर ऑफ हीलिंग के जब काउंसलर था, आई वॉज लकी उस वक्त की जो, अगेन आई एम यूजिंग द टर्म लकी क्वाइट रेगुलरली फ्रीक्वेंटली इन दिस मैटर, मुझे लेबर पार्टी के अंदर ही एक नेशनल ऑफिसर की पोस्ट मिल गई जो काले लोगों के या एथनिक माइनॉरिटीज कलर लोगों के लिए फाइट करती थी विद इन का लेबर पार्टी, तो वो जगह मिल गई, और साथ में मुझे उस वक्त के लीडर नील किनिक के साथ बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वहाँ भी है, वहाँ भी बहुदलीय सिस्टम जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों के वर्किंग में कितना फ़र्क है? क्योंकि ज़्यादा जो वैल्यूज हमने अडॉप्ट किए हैं वो ब्रिटेन से ही किए हैं, मतलब क्या आपको फर्क क्या दिख रहा है? देखो दो चीज़ें, पहली तो बात है कि पार्टी की आइडियोलॉजी जी, दूसरी बात है कि जो लोग पार्टी में जाते हैं क्या वो उस आइडियोलॉजी को सामने रख के जाते हैं या अपनी पोजीशन को लेने के लिए जाते हैं। हम यूरोप में पर्टिकुलर इन ब्रिटेन में महसूस करते हैं कि हम पहले आइडियोलॉजिकली हमारा माइंड बन जाता है, माइंड सेट है कि ये हम फिलॉसफी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं, जैसे सोशल जस्टिस पे, इक्वालिटी पे या दूसरों के, तो और उसमें लेबर पार्टी फिट बैठती है। दूसरे है जो इंडिविजुअलिज्म में यकीन करते हैं, वो कंजर्वेटिव में यकीन करते हैं, जो लिबरल है वो अपने ही तौर पे करते हैं। तो उसमें ये होता है कि यहाँ पर मैं महसूस करता हूँ कि ब्रिटेन इंडिया में ज़्यादा लोग पर्सनल
इंटरेस्ट के लिए जाते हैं रादर देन उनकी कमिटमेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ हो या फिलोसॉफिकल हो. इसीलिए वो फ्लोर क्रॉसिंग हॉस्टेलिंग ज़्यादा होता है जहाँ पर हमारे बहुत रेयर होता है. मेरे अपने तकरीबन 45 साल पॉलिटिकल लाइफ में दो लोगों ने अभी तक हॉर्स ट्रेडिंग में गए हैं, लेकिन उनको भी कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिले. लेकिन वो ये बहुत रेयर एग्जांपल होता है जहाँ फ्रीक्वेंट होता है. हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जहाँ पर अच्छा एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि अभी जो नई सरकार आई है टेरेसा की, टेरेसा मे तो भारत और ब्रिटेन के संबंध को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें हुई इमिग्रेशन को लेकर, बहुत सारी चर्चा हुई, लोगों ने जो साउथ एशियन कम्युनिटी था वहाँ विरोध भी किया, आपने भी इसके बारे में काफ़ी कैंपेन किया हुआ है, तो अभी किस दिशा में? क्योंकि भारत से जो लोग स्टूडेंट्स खास करके जाना चाहते हैं, ये काफ़ी एक वाइटल पॉइंट. देखिए, मैं जो पार्लियामेंट में एक ग्रुप है जिसको ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप इंडिया पे कहते हैं, मैं उसका चेयरमैन हूँ जी. इसलिए मेरा नेचुरल फर्ज बनता है, इंटरेस्ट भी बनता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रिटेन एंड इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ज़्यादा मजबूत हों. उसमें जहाँ भी कोई गवर्नमेंट उसमें मजबूत करने की साइड डायरेक्शन में ना हो तो हम चैलेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिनमें बहुत से जो विजिटर्स वीज़ा है उस पर हम आवाज़ उठाते हैं. स्टूडेंट्स की जो मुश्किलें आती हैं वीज़ा के लिए आई हैं, स्टूडेंट्स को जो फी के बाद पे करने के बाद कुछ कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स आई थी, फिर अभी जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो दो साल का आपको वर्क परमिट अलाउड था उस पे हमने आवाज़ उठाई है कि अगर आप चाहते हैं कि जो वहाँ से स्टूडेंट आए वो स्टूडेंट का मेन इंटरेस्ट ये नहीं है. मैं महसूस करता हूँ क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, रेगुलरली मिलता हूँ, कि वो सिर्फ दो साल पैसा कमाने के लिए नहीं है, वो है कि वहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए. जो क्वालिफिकेशन लेते हैं उसके साथ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. जब वापस आएं तो वो वहाँ के जो वर्क एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो साथ लेकर आएं. थियोरेटिकल तो उन्होंने ले लिया, जो दो तीन साल वो काम करेंगे तो उससे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वो यहाँ आकर वो वैल्यूज़ को और यहाँ की वैल्यूज़ को मिक्स करेंगे, मिलाकर करेंगे कि कौन सा बेस्ट वे फॉरवर्ड हो सकते हैं. और उसका जो फ़ायदा वहाँ की कंपनीज को होगा, जैसे जो कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उनको इन बिल्ट वर्कफोर्स मिलेगी. एक कैंपेन आप चलाते रहे, फेयर वीजा फेयर चांस, इसके बड़े वोटर ही रहे एक तरह से आप कह सकते हैं इसको. आप अपने फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी आपने वकालत भी किया. तो जो भारतीय स्टूडेंट हैं, चाहे वो पंजाब के हों या किसी भी राज्य से हों, तो उनको क्या डिसहार्टन नहीं होने की जरूरत है कि इफ दे आर टैलेंटेड, इफ दे आर कैपेबल, दे विल गेट चांस टू? देखिए, जो स्टूडेंट जाना चाहता है एज ए स्टूडेंट उसको कोई मुश्किल नहीं है. पहली तो बात है, जो फैसला कर लिया, जो फी पे कर सकते हैं, वो जिनके बेसिक क्वालिफिकेशंस इक्विवेलेंट हैं, जो क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. कुछ परसेंट प्रॉब्लम्स हैं जो उसका अब्यूज़ करते हैं जी, उनको नेचुरली अगर मुश्किल आती है तो. लेकिन मुझे जो फ़ायदा होता या एडवांटेज है दूसरे MPs के ऊपर, बीइंग फर्स्ट जनरेशन इंडियन, जहाँ के मैं रीजन को खास तौर पे पंजाब के रीजन को अच्छी तरह जानता हूँ, तो फिर जब मेरे पास कोई केस आता है, जब मुझे अप्रोच होती है, तो मैं उस इंडिविजुअल की फाइनेंशियल और एकेडमिक क्वालिफिकेशन को असेस करने में मुझे ईजी होता है, ईजी रहता है, आसान रहता है दूसरों, क्योंकि मुझे मालूम है. अगर मैं कोई कहता है कि मुझे तो जी तकरीबन मेरे फादर को 2 लाख वीकली इनकम है,
तो जब वो मुझे अपना स्टेटस बताता है, कहाँ से आता है, ज़मीन कितनी है, फादर का क्या है, तो मैं असेस कर लेता हूँ कि नहीं, 2 लाख नहीं हो सकता, मुश्किल है, बताइए रियलिटी बताइए. लेकिन जो दूसरे हैं, हज़ारों की गिनती में स्टूडेंट जाते हैं. मैं तकरीबन जो लंदन में स्टडी करते हैं, मैं मुझे ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल अप्रोच भी ऐसी है, एक मेरा इंटरेस्ट भी है. तो मैं समझता हूँ कि वो जो फेयर वीज़ा है, उसमें ये है कि अगर किसी को क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उनको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए. थोड़ा नेशनल जो इंटरेस्ट की बात है, कश्मीर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. कश्मीर में आपने वहाँ चर्चा भी की थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में आपका वहाँ स्पीच भी हमने देखा था. तो ओवरऑल जो स्थिति यहाँ चल रही है, जिस तरह का पॉलिटिक्स यहाँ चल रहा है, और आपने जिक्र भी किया था कि आप लगभग 14-15 बार कश्मीर आप जाते रहते हैं, आपका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कश्मीर है, तो कश्मीर को लेके क्या बिल्डअप हो रहा है, मतलब क्या एक सोच क्या है ओवरऑल, जो आप देखें परसेप्शन क्या है ब्रिटेन में? देखिए, पहली बात तो यह है कि दो थॉट्स हैं जो नेचुरल होती हैं. एक बहुत ही प्रो कश्मीर, कश्मीर को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, वो भी लॉबी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, उसमें ज़्यादा लोग पाकिस्तान रीजन के हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं या पाकिस्तान से हैं. कुछ एक दो दूसरी स्टेट्स में बहुत छोटी गिनती में उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, जो जहां दूसरे रीजन्स में भी सेपरेट राइट्स चाहते हैं. लेकिन दूसरी तरफ वो भी हैं जो कहते हैं कि इंडिया, कश्मीर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, मैंने भी बोला कि एज़ फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, जे कश्मीर इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. बट एट द सेम टाइम, बीइंग ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं वो बैलेंस ज़रूर रखता हूँ. आपने मेरी स्पीच में भी देखा है कि अगर इंडिया में वायलेशन हो रही है तो पाकिस्तान में भी हो रही है. तो फिर अगर दोनों तरफ हो रही है वायलेशन, तो देन ये छोड़ो इंडिया के ऊपर, छोड़ो कश्मीरी लोगों के ऊपर, छोड़ो अगर दूसरे लोग जो उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, हमें उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस. जी, माहौल इसलिए ख़राब होता है क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं. आज के टाइम में देखिए कि आतंकवाद, टेररिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है, न सिर्फ भारत के लिए, ब्रिटेन के लिए भी है, ब्रिटेन सारी दुनिया के लिए, यूएस के लिए बड़े तौर पर, ऑस्ट्रेलिया के लिए, हर जगह आतंकवादी हमले होते हैं. तो आपको याद होगा कि मुंबई पे इतना बड़ा हमला हुआ था जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, पठानकोट में, पंजाब में हमला हुआ. तो इसके पीछे जो फोर्सेस है वो हमें पता है. तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ब्रिटेन भी, जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को एक रॉग स्टेट करार दिया कि आतंकवाद को प्रायोजित करता है पाकिस्तान, स्पॉन्सर करता है, ब्रिटेन की तरफ से उतना खुलापन शायद देखने को नहीं मिलता है. अगर मैं इसमें एक बात बोलूं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया में रहते हुए लोग कितना प्रेशर डालते हैं बाहरली सरकारों के ऊपर, प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं, और डिमांड करते हैं, नहीं डिमांड करते हैं. देखिए, मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ जी, कैसे आप प्रोटेस्ट करते हैं और कैसे प्रेशर डालते हैं, मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ. बट आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया का कोई सा भी कोना उन्होंने नहीं छोड़ा, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने सबको एक मंच पे लाने की कोशिश तो की है. ऐसा नहीं, ऐसा परसेप्शन है. नहीं, देखो, मोदी जी ने जिस तरीके से वो दूसरे देशों में गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, एंटी टेररिज्म के लिए, जो आवाज़ उठाई है उसमें कोई डिनाई नहीं. वही बात मैं जानना चाहता हूं, कोई डिनाई नहीं. और वर्ल्ड में जो अच्छे एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो मोदी जी ने स्टेप लिया है, और इवन पाकिस्तान के जो चीदा चीदा लोग हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं. वो कहते हैं, हम वाच करते हैं, वाच करते हैं, लोग मिलते हैं कि मोदी जी की जो मूवमेंट है, जब मूव है, वो मूव है पाकिस्तान को कैसे कॉर्नर किया जाए. लेकिन मोदी जी ने भी अभी ब्रिटेन की गवर्नमेंट से ये डिमांड नहीं की. यही बात, यहाँ की जो लोग हैं उन्होंने भी अभी तक डिमांड नहीं की, उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा.
आप देखिए कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट नेबरिंग कंट्रीज में होते हैं, वहाँ के लोग करते हैं. मैंने कभी नहीं देखा कि ब्रिटिश हाई कमीशन के आगे यहाँ की किसी लॉबी ने प्रोटेस्ट लेटर दिया हो और कब बोला हो कि आप और आपके थ्रू आपकी सरकार को हम मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा ट्रीट करो कि पाकिस्तान ऐसा हमसे कहता है. आप मीडिया में तो कहते हैं जी, लेकिन क्या एक लॉबी जाकर उसमें कह रही है कि आइए? बहुत कम होता है सर, मैंने कभी नहीं देखा. नहीं देखा. अगर होता मतलब, हो मतलब मैंने मतलब नहीं ये कि प्रो इंडिया लॉबी काफी मजबूत नहीं है वहाँ. पाकिस्तानी लॉबी इज वेरी स्ट्रांग. देखिए और इंडिया की लॉबी मजबूत नहीं है वहाँ. हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. तो क्या करना पड़ेगा आप लोग तो बैठे हो? देखिए मेरी बात सुनिए. ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई रेज अप टू ए लेवल कि जहां पर जे ना हो कि हम दूसरे मुल्क के इंटरफियर कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया गवर्नमेंट के साथ काम करती है, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने लोगों को प्रेशर डालें, वो अपने लोकल एमपीज को जाकर बात करें. क्या इंडियन कम्युनिटी के लोग, इंडियन बैकग्राउंड के लोग वहाँ जाकर कहते हैं अपने इलाके में अपने एमपीज के साथ? वो बहुत कम आया है. आपने बिल्कुल साफ साफ इशारा कर दिया कि जो लोग वहाँ बैठे होते हैं, जो बैठे हुए हैं चाहे ब्रिटेन में हो, यूएस में, भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरह से लॉबी है, लॉबी काम करता है हर देश का, वो थोड़ा ज्यादा उसको वॉसी पेरेस ज्यादा उसको वॉइस में उसको सामने उसमें जहां से भी आवाज उठनी चाहिए. बिल्कुल, कि बाहर के बैठे लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर क्या कर रहे हैं. जैसे आपने मुझे सवाल किया है, बहुत से लोग आते हैं, उनसे इनकरेज करना चाहिए. उनको भी हम कहते हैं, जैसे आपने मेरी वो डिबेट सुनी है, उस डिबेट में मैंने तो डिमांड की है लोगों के साथ कि भाई आप भी कुछ बोलिए, हमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमें तो बैलेंस रखकर बात करनी होगी. आप ब्रिटिश एमपी हैं, ये बात सही है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन दिल तो आपका हिंदुस्तान में ही बसता है. ये बात देखिए, वो तो देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग कि आप किसी भी इंडियन को इंडिया से बाहर तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसके दिल से इंडिया नहीं निकाल सकते. अच्छा, आप लगातार जी आप लगातार इंडिया भी आते रहते हैं. तीन साल ये जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की, नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं इसको, आपको ओवरऑल देश में जो तरक्की हुई है या नहीं हुई है, एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आपको क्या लग रहा है कि वाकई इंडिया सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है? देखिए, जो मोदी जी ने स्टेप्स लिए हैं, जो एक एजेंडा देश के सामने रखा है, एजेंडा है क्लीन वाटर, क्लीन इंडिया, मेक इंडिया. मेरा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसा है, तो मैं जो मेरे जुबान पे नहीं चढ़ सकता उसको मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ या पंजाबी में बोल लूंगा. स्वच्छ भारत बोला ना, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया, क्लीन वाटर, बेटर एजुकेशन और इम्प्रूव्ड एजुकेशन, इंडिया स्किल्स, ये जो टर्म्स हैं बहुत अपीलिंग है. और मैं समझता हूँ कि ये 21st century की ज़रूरत भी है, लेकिन उसके साथ में अभी क्या लोगों का जो माइंड सेट है जी, उसके साथ कोऑपरेट करने का, उनके साथ बैठकर काम कर, उनके साथ साथ में बैठने का, मतलब कि जो उन्होंने एक प्रोग्राम आपको दिया है, क्या लोगों का माइंड सेट चेंज हुआ? क्या लोग उसमें कोऑपरेट करते हैं? क्या वो सिस्टम उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है? क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं? जो प्रैक्टिकलिटीज हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी दूर नहीं हुई. अच्छा, एक चीन को लेकर सवाल कर लेते हैं, क्योंकि जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का भी, सिक्किम में वहाँ थोड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चीन के बीच में पिछले 4-5 हफ्ते से, तो उसको किस हिसाब से देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है कि बाकी जो देश है सबको एक मॉरल ग्राउंड पे एंगेज तो करें साथ में कम से कम. देखिए, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डूइंग ए गुड जॉब ऑन दैट, ब्रिंगिंग जो कंट्रीज हैं
रशिया, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ को रेजिंग अवेयरनेस जो है मेन चीज़, लोगों में जो जागृति आ रही है कि भाई कहाँ, मैं बीइंग बॉर्न इन इंडिया, इंडिया के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं नेचुरली और जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है और उसमें जो चेंजेस आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि चाइना का बिहेवियर जो है वो एक बिग ब्रदर वाला बिहेवियर है, बुलिंग टैक्टिक्स है, बुली करके किसी भी वजह से, जे शायद जे अगर कहीं मुकाबला हो जाए तो तब मालूम होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, लेकिन वो फोर्स करके अपनी अथॉरिटेरियन एटीट्यूड के साथ, सेक्टेरियन एटीट्यूड के साथ वो प्रेशर डाल रहा है। मैं समझता हूँ कि आम जो लोग हैं, आम जो आउटसाइड इंडिया लोग रहते हैं, नॉट इंडियन ओरिजिन के, जनरली इन पॉलिटिकल सर्कल्स जे एक्सेप्ट किया जा रहा है कि चाइना का जो बिहेवियर है वो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और उससे इंडिया को वो हरास कर रहा है, उसमें वर्ल्ड को साथ में कोऑपरेट करके उसको स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि पंजाब तो आपका आना होता है, अभी शादी में आप यहाँ आए हुए हैं, पंजाब के लिए क्या आपका एजेंडा, कुछ वैसे ख्वाहिशें हैं जो आपको लगता है कि पंजाब में पूरी होनी चाहिए, या पंजाब का कुछ एजेंडा आपके दिल में कुछ रह गया है? देखिए, मैं पंजाब को जो छोड़ कर गया था वो पंजाब नहीं है, वो अभी पंजाब डेवलप्ड पंजाब, कंक्रीट जंगल तो बन गए हैं, लेकिन क्या उसमें सोशल वैल्यूज में इम्प्रूवमेंट आई है, क्या लोगों में एनवायरनमेंट के साथ वो खेल रहे हैं? अभी मैं गया था तो मुझे किसी ने बोला कि नल से वाटर पानी मत पीना, मैंने बोला क्यों, वो कंपेनर था होशियारपुर में मिला था मुझे, वो कहता है कि 500 फीट तक जो जहाँ का रबिश है जो आप उसमें चला गया क्यों, क्योंकि जहाँ के जो लोग हैं वो उस बेल्ट में गंदगी डाल रहे हैं जो हमने बाद में पानी पीना है, जो ऐसे जो इश्यूज हैं, बच्चों की एजुकेशन को बेटर बनाना, क्या हम बच्चों की एजुकेशन का सिस्टम ऐसा दे रहे हैं जो 21st सेंचुरी के स्किल्स को, जो दुनिया में 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं, क्या हम उनको दे रहे हैं? क्या हम बच्चों को अपने देश के साथ अपने स्टेट में रहने की इजाज़त दे रहे हैं? रहने की इजाज़त का मतलब आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सी एग्जांपल जो फार्मिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेटर फार्मिंग, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसके जो रीजंस हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट बिकॉज इट्स अप टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट हेयर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छे लिंक्स हों, एयर लिंक्स हों। मैं चाहता हूँ कि इंडिया, ब्रिटेन, लंदन से अमृतसर एंड लंदन से चंडीगढ़ को डायरेक्ट एयरलाइन एयर फ्लाइट्स हों, ताकि वो टूरिज्म को अट्रैक्शन हो सके, हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं उनका लिंक बना रहे। जैसे मैंने कई जगह पहले भी बोला है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पे बात ना ख़त्म हो, आगे वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी पंजाब में आना फ़ख्र महसूस करें। वो इसलिए होगा कि जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, उसी के साथ में सिक्योरिटी हो। अगर सिक्योरिटी और ये एरियाज ना होंगे तो फिर लोग नहीं आएंगे। बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो तो वो आकर जहाँ के सिस्टम में पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो एक 21st सेंचुरी का एजेंडा है, और जिसमें मैं खुल दिली से कहता हूँ कि जो मिस्टर मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बहुत अच्छा वर्डिंग में लिखा है, उसको प्रैक्टिकल शेप अगर देने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ सिस्टम नहीं, लोगों को भी साथ में कोऑपरेट करना होगा, और अगर वो हो जाए तो मेरे जैसे जो पहले जनरेशन के लोग हैं उनको खुशी भी होगी, प्राउड भी फील करेंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके पास बातचीत करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास भी सवाल बहुत सारा है, लेकिन आज समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है।
ये भले ही ब्रिटेन में एमपी हैं लेकिन इनका दिल पूरी तरह से पंजाबी है, दिल हिंदुस्तानी है। ये चाहते हैं कि पंजाब, एक जो सुनहरा पंजाब है, उस दौर में फिर से वापस लौटे। आप हमारे साथ बने हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।